वेलकम फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं, अगर आप इस ऑप्शन का यूज करते हैं तो आप अपने वर्क को और भी फास्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में कलर कॉपी करेंगे, सिंपल कलर या फिर वेक्टर कलर, ग्रेडियंट कलर, उसके बाद ड्रॉप शेडो, कॉन्टूर, ब्लेंड, डिस्टॉर्ट, एनवलप, एक्सट्रूड, ऐसे खूब सारे टूल्स को आप कॉपी करके वर्क को पास कर सकते हैं। तो कैसे कॉपी करेंगे, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टूल बार में जाएंगे और एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें मैं फिल कर देता हूं ग्रेडियंट कलर। कीबोर्ड से जी प्रेस करें या फिर टूल बार में जाएं, यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल, इसका शॉर्टकट है जी। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फंक्शन फिल। ओके, यहाँ से चाहें तो आप लेनियर रख दें या फिर एलिप्टिकल कर दे, तो मैं एलिप्टिकल कर देता हूं और यहां पर डार्क कलर फिल कर लेता हूं। उसके बाद एक रेक्टेंगल और इंसर्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से जी प्रेस करें और प्रॉपर्टी बार में जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर फिल का। इस पर क्लिक करेंगे और फिर जिस कलर को आपको फिल करना हो उस पर क्लिक करें, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये कलर बिल्कुल सेम टू सेम फिल हो जाता है। मैं इसी का एक रेक्टेंगल और इंसर्ट करता हूं और इसमें मैं इस बार फिल कर देता हूं बिटमैप कलर। अब मैं इस कलर को फिल करता हूं, इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से जी प्रेस करें, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहां से कॉपी फिल और अप्लाई। तो इस तरीके से आप बिटमैप कलर भी कॉपी सेम हो जाता है। कलर कॉपी का दो तरीका आप सभी को और बता देते हैं जो मैं बार बार यूज़ करता हूँ। इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फंक्शन का। माउस लेफ़्ट बटन प्रेस करते हुए ड्रैग करके इसको यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ तो ये भी कलर कॉपी हो जाता है। मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से माउस लेफ़्ट बटन प्रेस किया और ड्रैग करते हुए यहाँ पर लाकर छोड़ दिया तो ये कलर आसानी से कॉपी हो जाता है। अगला तरीका है कि शिफ्ट की प्रेस करें कीबोर्ड से और माउस राइट बटन प्रेस करते हुए ट्रैक करके इसमें छोड़ देते हैं तो ये भी कलर कॉपी हो जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, शिफ्ट की प्रेस करें, माउस राइट बटन प्रेस करते हुए ट्रैक करके इसमें छोड़ देते हैं तो भी कलर कॉपी हो जाता है बहुत ही आसानी के साथ। अब मैं कॉपी कर रहा हूँ ड्रॉप शेडो, तो पहले मैं इसमें ड्रॉप शेडो का यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद जिस ऑब्जेक्ट में आपको ड्रॉप शेडो लगाना हो उसको सेलेक्ट करें और टूल बार में जाएं, ड्रॉप शेडो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, आपको यहाँ पर मिल जाता है कॉपी शेडो प्रॉपर्टी। ओके, और सिंपली अप्लाई कर देंगे तो इस तरीके से सेम ड्रॉप शेडो दूसरे ऑब्जेक्ट पर भी लग जाता है। मैं एक बार इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ड्रॉप शेडो टूल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी और फिर अप्लाई। इन सभी ऑप्शन को मैंने टूल्स के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन ये मैं एक साथ सभी को एक ही वीडियो में बता रहा हूं। ड्रॉप शेडो कॉपी करने का दूसरा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट करें और इफ़ेक्ट में जाएंगे और कॉपी इफ़ेक्ट, यहां से ड्रॉप शेडो फ्रॉम अप्लाई करेंगे, यहां से कॉपी हो जाता है। ड्रॉप शेडो कॉपी करने का अगला तरीका बहुत ही शानदार है, इससे आप खूब सारे ऑब्जेक्ट हों तो भी आप इसका यूज़ करके फटाफट कर सकते हैं। तो मैं पहले इसी का डुप्लीकेट कर लेता हूँ। टूल्स में जाएंगे और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल। इसके बारे में पहले से मैं वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को डिटेल से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर केवल ड्रॉप शेडो यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको सेलेक्ट करें और सिंपली आप ड्रॉप शेडो को सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर अप्लाई करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट हों इसी तरीके से आप फटाफट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टूर को भी मैं देख लेता हूं, तो इसको सभी को मैं करता हूं डिलीट और एलिप्स टूल से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। टूल्स में जाएंगे, कॉन्टूर अप्लाई करेंगे, उसके बाद एक सर्कल और ड्रा करते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और टूल्स में जाएंगे, कॉन्टूर सेलेक्ट कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहां से मैं कर देता हूं कॉपी कॉन्टोर प्रॉपर्टी और सिंपली इस एरो को मैं इस रेड वाले लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टोर अप्लाई हो जाता है। इसी तरीके से एक बार मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट करता हूं, कॉन्टोर सेलेक्ट, कॉपी प्रॉपर्टी, उसके बाद अप्लाई।
तो इस तरीके से कॉन्टूर भी कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मैं देख लेता हूँ। अब इसी तरीके से सभी ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। मैं एक रेक्टेंगल इंसर्ट करेंगे और टूल्स में जाएंगे, यहाँ से मैं डिस्टॉर्ट अप्लाई कर दे रहा हूँ। उसके बाद एक रेक्टेंगल और इंसर्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, टूल्स में जाएंगे, डिस्टॉर्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ कॉपी डिस्टॉर्ट प्रॉपर्टी और सिंपली आप अप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से सेम कॉपी हो जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, एक रेक्टेंगल, उसके बाद टूल्स में जाएं और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एनवलप टूल। एनवलप आप अप्लाई करके देख लें एक बार। एक रेक्टेंगल और इंसर्ट करेंगे और टूल्स में जाएंगे, एनवलप टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कॉपी एनवलप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो सेम प्रॉपर्टी कॉपी हो जाती है। इसी प्रकार से आप इन सभी ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।